हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ राजमा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये रेसिपी सिंपल होने के साथ ही बहुत ही टेस्टी है। चलिए राजमा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इस कटोरी के हिसाब से एक कटोरी राजमा लिया था। इसको मैंने रात भर भिगो के रखा है और अब ये पूरी तरह से भीग चुका है। अब मैं इसको कुकर में डालकर उबलने के लिए रख रही हूँ। राजमा को उबालने के लिए अब मैंने इसमें 3 कटोरी पानी और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाला है। अब इसको मैं गैस पर चढ़ाकर इसमें 3 सीटी और उसके बाद 10 मिनट तक धीमी आंच पर इसको पकने दूंगी। हमारा राजमा पक गया है, इसको देख लेते हैं। ये अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसको जो है हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 10-12 कलियाँ लहसुन की ली हैं। इन दोनों को मैंने साथ में पीस लिया है और ये 4 टमाटर हैं, इनको अलग पीस लिया है। कुकर में मैंने 1.5 चमचा तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया था। जब गरम हो गया है, ये मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। अब मैं इसमें तेज़पत्ता डाल रही हूँ, 2 लौंग डाल दी हैं। अब मैंने जो ये प्याज और लहसुन पीसा था, अब इसको डाल देंगे। अब इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। अब स्वादानुसार नमक डालेंगे। यहाँ पर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम नमक पहले राजमा उबालते समय डाल चुके हैं, इसलिए हमें हिसाब से नमक डालना है। अब इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना हो जाए। अब ये मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें जो हमने टमाटर पीसे थे वो डाल देंगे। अब हमें फिर से इसको खूब अच्छे से भूनना है। देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब मैंने राजमा इसमें डाल दिया है। देखने में अभी कुछ इसमें पानी कुछ कम लग रहा है, तो हम इसमें 1/2 कटोरी पानी और मिला देंगे। अब इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला मिलाएंगे और इसको 1 सीटी आने तक के लिए फिर से कुकर बंद कर रख देंगे। हमारा राजमा तैयार हो गया है। चलिए कुकर खोल कर देखते हैं। देखिए कितना बढ़िया राजमा बना है, कितना सुंदर लग रहा है। आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब इसको सर्व करते हैं।